मनासा में नीमच नाका स्थित शारदा एजेंसी नवीन सारडा के किराने की दुकान पर खाद्य अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा द्वारा सैंपलिंग की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में पैकिंग जीरे का सैंपल लिया गया। करीब दो घंटे चली कार्यवाही में खाद्य अधिकारी द्वारा चक्र जीरे का सैंपल लिया गया। नमस्कार टीवी, खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि चक्र जीरे की पैकिंग को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते आज कार्रवाई की गई और चक्र जीरे का सैंपल जांच हेतु लिया गया। श्री मिश्रा ने बताया कि चक्र जीरे के बिल मौके पर नहीं मिल पाया है। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार के अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के तहत मनासा में संभवत यह तीसरी कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों रामपुरा में भी खाद्य विभाग द्वारा महावीर दूध डेयरी पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें काफी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने केमिकल मिला था। उसके बाद महावीर दूध डेयरी के संचालक लादू राम गुर्जर के विरुद्ध विभाग द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। भोपाल के लिए भेजा जाएगा कल जांच के लिए, और जो भी उसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाता है उसके बाद में इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई। लूज सैंपल किसी चीज के लिए लूज नहीं, लूज आर्टिकल इसमें दो चीजें हैं। इसमें हमेशा क्लियर होना चाहिए कि खाद्य विक्रेता लूज आर्टिकल भी बेच सकता है और पैक्ड आर्टिकल भी बेच सकता है। जब वो आर्टिकल लूज अवस्था में लिया जाता है तो उसकी केवल एक ही जांच होती है क्वालिटी की, और जब आर्टिकल को पैक्ड अवस्था में लिया जाता है तो उसकी दो जांचें होती हैं, एक उसकी क्वालिटी और एक साथ में उसके ऊपर जो जो लेबल डिक्लेरेशन दिए गए हैं वो भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत आ रहे हैं अथवा नहीं। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि पैक्ड आर्टिकल के अंदर सारी बातें उसके ऊपर पूर्ण होना चाहिए, जिससे दो बातों की जांच हो सके। गुड्स आर्टिकल भी विक्रेता विक्रय कर सकता है, केवल हल्दी मिर्ची मसाले जो हैं तेल के ऊपर अभी बैन लगा हुआ है, बाकी सभी खाद्य पदार्थों को जो है लूज भी बेचा जा सकता है, बस वो क्वालिटी स्तर पर होना चाहिए। अभी कितने सैंपल लिए हैं? अभी एक ही सैंपल लिया गया आएगा। जीरा, चक्र जीरा, चक्र जीरा चक्र ब्रांड जीरा जो उज्जैन से उंझा से आ रहा है, और अभी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि जिस प्रकार से धनिया अजवाइन के ऊपर कार्रवाई चल रही है, इस तरीके से उंझा के द्वारा भी बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे भी निर्माता हैं जो कि उनके अंदर मिलावट करके भेज रहे हैं। इसी की जांच के लिए जो है इसको किया जा रहा है। उंझा एक ऐसे स्थान है जो जीरा के लिए बहुत फेमस है। दूसरा सर, होटलों पे जो नमकीन बिकता है उसका खाद्य विभाग द्वारा क्या रेट तय रहता है? नहीं, खाद्य विभाग द्वारा किसी भी आर्टिकल का कोई रेट तय नहीं होता है। जो भी खाद्य विक्रेता अपना खाद्य सामग्री का निर्माण करता है वो खुद अपने रेट तय करता है कि कोई व्यक्ति कौन सा बेसन उपयोग कर रहा है, किस खाद्य तेल के अंदर उपयोग कर रहा है, किन परिस्थितियों में उसको निर्माण कर रहा है, उसके हिसाब से वो उसका रेट डिसाइड करता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन किसी भी खाद्य आर्टिकल का रेट डिसाइड नहीं करता। ये जरूर होता है कि कोई भी विक्रेता MRP जो लिखी हुई है उससे ऊपर किसी भी आर्टिकल को ना बेचे। खुले हुए आर्टिकल के ऊपर रेट डिसाइड करना ये विक्रेता का काम होता है, वही डिसाइड करता है। पूर्व में जो कार्रवाई हुई थी गोपी मिष्ठान वगैरह दो तीन जगह, तो उसमें क्या डिटेल्स क्या आए? गोपी मिष्ठान कहाँ पर? मनासा में। मनासा में वो मेरे द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी, उसमें राजू सोलंकी जो हमारे सहयोगी हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। अभी रिपोर्ट उसकी प्राप्त नहीं हुई है, जिस तरह समय उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई। आज यहाँ और भी जगह सैंपल लिए आपने? नहीं, आज एक ही जगह पे। आज एक्चुअल में कोर्ट में पेशी भी थी लाडू राम वाले केस से संबंधित, और उसके बाद में जब समय मिल पाया तो इसीलिए एक ही। इसमें क्या अपडेट है सर लाडू वाले मामले में? अभी न्यायालय में प्रकरण अभी चल रहा है वो, इसलिए उसमें अभी कोई अपडेट अपनी तरफ से देना उचित नहीं होगा। रिपोर्ट अभी नहीं आई? हाँ, सैंपल की अभी रिपोर्टें नहीं आई हैं, अभी वो न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन है। सर सैंपल रिपोर्ट नहीं आई तो पहले से FIR कैसे हो गई? किसमें? उसके खिलाफ मौके पर जो एडल्ट्रेंट का मिलना, काफ़ी ज़्यादा एडल्ट्रेंट जो मिल रहे हैं वहाँ पे, जिसके अंदर मिलावटी दूध बनाने की आशंका है। क्योंकि कोई भी खाद्य विक्रेता जो अगर दूध निर्माण कर रहा है तो दूध की परिभाषा होती है कि दुधारू पशुओं से निकला हुआ होना चाहिए। अगर आपके वहाँ पर ऐसे एडल्ट्रेंट्स मिल रहे हैं जिनसे कृत्रिम दूध बनाया जा सकता है, मिलावटी दूध बनाया जा सकता है, तो वो पूरी कार्रवाई के दौरान हम लोगों का जांचने का यही काम होता है कि कहीं मिलावटी दूध जो है वो नगर में या आम जनता को नहीं बेचा जा रहा। तो क्या वहाँ पाया गया ऐसा दूध? एडल्ट्रेंट वहाँ पे भारी मात्रा में जब्त हुए हैं, वहाँ पे माल्टोडेक्सिन, ग्लिसरॉल, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे जब्त हुई हैं काफ़ी मात्रा में, और इसीलिए वो काफ़ी बड़ा केस है और अभी विवेचना चल रही है इस पूरे प्रकरण में अभी, और इसीलिए उसके अंदर FIR भी दर्ज की गई कलेक्टर साहब के निर्देशन में। कब तक संभावना है सर उसकी डिटेल्स आने की? रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाएंगी उनकी, हम लोगों के द्वारा भी आग्रह किया जा रहा है और लगातार उसका अपडेट लिया जा रहा है भोपाल से, क्योंकि 19 नमूने वहाँ से जांच में गए हैं और उसमें एडल्ट्रेंट के भी गए हैं और दूध के भी।
और जल्दी उसकी रिपोर्ट आने के बाद में एक प्रकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत भी दर्ज किया जाएगा। सर आपने नाकुड़ा नमकीन में भी कार्रवाई करी है? कहाँ पे? नाकुड़ा मनासा में। नहीं आप गए थे सर वहाँ पे? नहीं जाने का नहीं होता है वहाँ पे। मुझे एक्चुअल में क्या एक सूचना मिल रही थी जिसको मैं क्रॉस चेक करने के लिए गया था कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा उनके यहाँ पे भी कोई बच्चा है जिसने वो चॉकलेट के अंदर वो निकला, तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से ये खरीदा। तब यही कहना था कि सर खाया तो नहीं बच्चे ने, लेकिन हम आपको इस तरीके की सूचना देना चाह रहे हैं। तो फिर उनसे पूछने के लिए कि आपने ये कहीं से खरीदा हो, तो यहाँ पे भी उन दुकानों की सर्चिंग की जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने यहाँ पर भी उस तरीके की घटना घटी। सर आपने सेव की जो बात बताई थी नमकीन, तो सर कुछ नमकीन जैसे कि अच्छा बिक रहा है, कुछ जो रेट के वेरिएशन इस तरीके से आते हैं कि कोई व्यक्ति खाद्य तेल में पाम ऑयल का उपयोग कर रहा है, कोई उसके अंदर जो है मटर आटा लिख रहा है और बता के कर रहा है कि ये मटर आटे का नमकीन है, तो उसके अंदर रेट में सस्ता आएगा। और जब कोई व्यक्ति उसके अंदर बेसन मूंगफली का तेल इन परिस्थितियों में उसका निर्माण करेगा तो उसके रेट ऊँचे आएंगे। तो इसलिए विक्रेता डिसाइड करता है। हाँ ये है कि उसके अंदर खाद्य तेल अगर उसने पाम ऑयल लिखा है तो फिर उसके अंदर पाम ऑयल होना चाहिए। मूंगफली का तेल के स्थान पे पाम ऑयल विक्रय करेगा या उसके अंदर वो तल के बनाएगा ऐसा नहीं है। सर मनासा में कुछ चिन्हित फर्मों पे कार्रवाई होती है और खुले में जो माल बिकता है वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है? बताएं ऐसी कौन सी? बस स्टैंड देख लो आप, ये निमल नाके पे देख लो आप, क्या बिक रहा है खुले में? सर यही खाद्य सामग्री। तो खाद्य सामग्री खुले में सभी कचौरी समोसे अगर होटलों पे बिक रहे हैं तो उनको निर्देश जारी किए जाएंगे कि भाई इसको आप कांच के या ढक के रखें उसके ऊपर। कार्रवाई करना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, उसमें जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में उस चीज़ का सॉल्यूशन है। सर नमकीन बिना छाप के भी बिक रही है, 2 किलो पैकेट आ रहे हैं मार्केट में, कोई नाम पता नहीं है, प्लेन खिली हुई बिक रही है, कहाँ पे बिक रहा है? यही मना साहब, उसको जांच करके हम बिल्कुल उसके ऊपर अगली कार्रवाई, वो भी फुल क्वांटिटी में बिक रही है, बिल्कुल उसके ऊपर की जाएगी। अभी क्योंकि क्या है नीमच जिले के अंदर एक मासूम की मृत्यु हो गई थी उसमें, तो उसको भी हमने संज्ञान में लेते हुए और इसीलिए आज उससे भी जांच के लिए उनका आज मॉर्निंग में फ़ोन आया था कि सर ऐसा आर्टिकल हमारी स्थिति निकला, उन्होंने दिखाया, हालांकि वो प्लास्टिक का जो खिलौना था वो बड़ा था, तो बोले सर वो तो हमने उसको रोक दिया, लेकिन इस तरीके का वो ये नहीं बता पाए कि कहाँ से। इसकी अगली सर्चिंग जो है जिस तरीके के पैकेट जिनके अंदर टॉयज वगैरह निकल रहे हैं खिलौने, उसको नीमच शहर से तो सारा जो है हम लोगों ने माल हटवा दिया है और अब जागरूकता फैलाकर दूसरे दुकानदारों को से भी आग्रह किया जा रहा है कि अगर आपके पास में इस तरीके के पैकेट हैं तो उनको आप तत्काल जो है नष्ट करें और उनको किसी को भी विक्रय ना करें जिससे कोई ऐसी जानहानि ना हो। सर ये नॉनवेज जो बिकते हैं इन पे भी आज दिन तक कोई कार्रवाई हुई? खाद्य विभाग अभी तो कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना मिलेगी कि नॉनवेज में कोई अगर गलत खाद्य गलत सामग्री का उपयोग करके और या फिर नहीं सर इनके लाइसेंस बिना लाइसेंस के कर रहे तो क्या ऐसा प्रॉब्लम है? बिना लाइसेंस के नहीं, बिना लाइसेंस के तो प्रावधान नहीं है, लाइसेंस लेके ही। रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं? ढाबे नहीं, ढाबे पे जो खुले वगैरह पे तो रेस्टोरेंट का एक ही लाइसेंस मिलता है, वो खाद्य सामग्री निर्माण करके चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो दोनों करके बेच सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और ये जो खुले में काट के बेच रहे हैं इनके घरों के बाहर, उनके लिए नगर पालिका को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए उसके अंदर, और जितने भी चाहे वो सेल कर रहे हों इस तरीके से उनको लाइसेंस देना अनिवार्य होता है, भले चाहे वो फेरी वाले का लें, उनके लिए 100 रुपये पंजीयन की वो है और खाद्य विभाग उनको सभी को लाइसेंस देता है। हालांकि इस बात का उसमें ध्यान रखा जाता है कि कहीं ऐसे स्थान पे वो ना बेच रहा हो जहाँ पे कोई मंदिर हो या फिर किसी का घर हो, उसके लिए एक निश्चित चिन्हित स्थान होता है। अगर वो वहीं पर विक्रय कर रहा है अपना व्यापार, स्कूल के पास में गुटके और इनके लिए प्रावधान है, हाँ, लेकिन अगर नगर पालिका से इसलिए उसमें NOC ली जाती है, अगर यहाँ पे नगर पंचायत या पालिका को कोई दिक्कत नहीं है उसको वो इशू कराएंगे। सर अभी जो आपने सैंपल लिया है ये कितने टाइम में इसका रिजल्ट आ जाएगा और अभी तक वैसे कितने तो क्या नमूना इसको अभी तक हम लोगों के द्वारा जो है वो 200 सैंपल लिए जा चुके हैं 1 अप्रैल 2019 से आज दिनांक तक, और इन 200 नमूनों में से 61 नमूनों की रिपोर्टें आ चुकी हैं, जिनमें से 41 नमूने जो हैं वो फेल पाए गए, जिनके ऊपर आज दिनांक पे टोटल मिला के करीबन 22 प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए जा चुके हैं, बाकी पर भी विवेचना चल रही है और मात्र 20 नमूने जो हैं वो पास हुए हैं। और अभी इस वर्ष जो है वो नमूनों के मिलावट पाए जाने का प्रतिशत काफ़ी ऊपर चला गया है, 75 से 80% जो है खाद्य नमूने जो है वो फेल आ रहे हैं, इसके पहले प्रतिशत काफ़ी कम था, लेकिन अब कोशिश करके हम जागरूकता भी लोगों को खाद्य व्यापारियों को इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं कि किस प्रकार की खाद्य सामग्रियों को आप लोगों को विक्रय के लिए रखना चाहिए, चाहे वो होटलें हों चाहे वो मीट मटन की दुकानें हों, और सभी लोगों को इसकी जागरूकता भी।
सर अभी तक कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई हुई, क्योंकि आप जो जागरूकता फैला रहे हैं वो तो लगातार आपका प्रयास चल ही रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्ट्रिक्ट कार्रवाई में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बालूराम जो है वो रासुका के अंतर्गत अभी भी इंदौर जेल में 3 महीने से बंद है कलेक्टर साहब के निर्देशन। इस तरीके की पहले कार्रवाई नहीं हुई है। जिला प्रशासन और जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसमें अभी उसकी हालांकि 2 रिपोर्टें आना अभी भी शेष है, लेकिन फिर भी वो बंद है इतने टाइम से। उसके अलावा भी 4 FIR दर्ज की गई हैं, वो लोग भी कनावटी जेल में और अलग अलग जेलों में बंद हैं। सर ये चक्र जो है, चक्र जीरा जो है, तो ये तो कहीं ना कहीं कंपनी बेच रही है पूरी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा यहाँ पे? इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट। अब मान लो ये सैंपल फेल होता है तो कार्रवाई किस पर होगी? कार्रवाई इनके ऊपर भी होगी और निर्माता के ऊपर, क्यों? क्योंकि मुनाफे में दोनों हकदार थे, तो इसलिए उनके ऊपर जिस प्रकार की भी रिपोर्ट आती है इसके बाद में दोनों के पार्टी। इसीलिए क्या है, रिटेलर से लेके पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन तक पूरा कंप्लीट किया जाता है। नीमच से मनीष डोलानिया की रिपोर्ट।